नगर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, शराब की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के नया टोला फुलवाड़ी स्थित एक लॉज में शराब की बड़ी खेप की सूचना पर नगर थाना पुलिस ने नया टोला फुलवाड़ी स्थित अभय नायक के लॉज में छापेमारी की, जहां शराब की पहरेदारी कर रहे एक आरोपी पप्पू ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कटिहार SDPO अमरकांत झा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के दौरान पता चला कि लॉज के मालिक अभय नायक और अपराध कर्मी छोटू मंडल मिलकर शराब का काम किया करते हैं और रात में शराब बिक्री के काम को अंजाम देते हैं। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस ने बताया कि छापेमारी में 124 लीटर विदेशी जबकि 63 लीटर देशी शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजा जा रहा है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। एंकर पिंकी सिंह के साथ कटिहार से विमल कुमार की रिपोर्ट। आज सवेरे लगभग 3 बजे में थाना अध्यक्ष नगर को सूचना मिली कि एक जगह अवैध शराब रखा हुआ है, जिसके क्रम में थाना अध्यक्ष मशीन के 3 और जो सदस्य थे वह गए तो नगर थाना में नया टोला फुलवारी स्थित अभय नायक के लॉज में काफ़ी मात्रा में शराब वहाँ रखा हुआ था, जिसमें विदेशी शराब कुल 7 प्रकार के ब्रांड था, जिसकी कुल 124 लीटर लगभग उसमें बरामद हुआ है और देसी शराब भी 63 लीटर बरामद हुआ है, कुल 187 लीटर बरामद हुआ है। इस संबंध में एक व्यक्ति गिरफ्तार भी हुआ है, इसका नाम पप्पू ठाकुर है, वह वहाँ उपस्थित था और उसमें जो लॉज में रखा हुआ था तो लॉज के मालिक जिनका नाम अभय नायक है और छोटू मंडल है जो मेन वही व्यापार करता है, दोनों फरार पाया गया है। हम लोग शीघ्र ही दोनों की भी गिरफ्तारी करेंगे और हम लोग लगे हुए हैं। और भी अवैध शराब होगा थाना अध्यक्ष को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी निर्देश दिया गया है, तो हम लोग और भी इस तरह की काम करते रहेंगे। तो सर लॉज से सप्लाई हो रहा था, इस तरह का कुछ बात आया कहीं रिटेल हो रहा था इस तरह का डोर टू डोर? नहीं, वहाँ आप किस तरह की हो रही पूछताछ ही करेंगे, इस संबंध में हम लोग हर बिंदु पर पूछताछ करेंगे, क्या है नहीं है, जो पकड़ा है उससे पूछताछ की जाएगी और उस संबंध में हम लोग हर तरह तक जाएंगे। अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Prime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।